बहुत सारे बीच में जो एकदम फोटो सत्यानाथ साथ करो ना। मैम वेट 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 मैम स्ट्रेट है चलते रहो चलते स्टार्टिंग में थी। सबसे पहले तो आज ये बुक लॉन्च के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। ये मैनर्जी का बुक लॉन्च है, उन्होंने ऐसी ऐसी जगह जाके ऐसी तस्वीरें ली हैं बहुत खूबसूरत। मतलब एक जैसे जौहरी घूमता है एक लोकेशन, वैसे उन्होंने लाइट के लिए इंतज़ार करके कि वो करेक्ट लाइट मिले, वो करेक्ट कलर्स मिल सके, वो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह ये सब सोच के उन्होंने फिर ये फोटोग्राफी बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है। और हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी जगहें हैं कि देखकर भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत है। इंडिया इज़ वेरी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेजी में बोल सकता हूँ? यस यस। It's captured the essence of it so beautifully. It's almost surreal. And so my congratulations to the exhibit. I think the other thing it outlines is India, we're very, very lucky to have such beauty around us. And what I was saying is it's not one India, it's many Indias, where you're going to have mountains, beaches, valleys, jungles, all sorts of wildlife. I don't think people appreciate that, certainly not the Western world. I think in India you feel very proud when you see something like this. I guess so. Would you like to say something about the book? The book, as I said, is when I visited Ladakh, I was astounded by the barrenness and the resolve of the people to live there and manage. I studied about it and then I felt that why should all that knowledge remain in my head alone? I wanted to share it with people. So I wrote these two books. And to popularize these two books, I held this exhibition so that people can get to know, and if they visit, they'll be better prepared, they'll better understand what they're seeing, and if they can't visit for whatever reasons, then they can enjoy it through the pages of this book. Ma'am, ekda marathi madhe aaj je pustak ase prakashan zalele aahe apan zalele kay maiti milta ani ithe bagun kay aplyala khupas sundar aahe photographs je photographs vaatne painting sarke vaatte aahe आणि एवढ्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी एवढे सुंदर फोटोग्राफ्स घेतले, म्हणजे
आता ज्या जसं त्यांनी सांगितलं की लोक कशी राहत आहेत तिथे, म्हणजे ॲक्च्युली तिथे एकदम बॅरन असतं, काही नाही तिकडे, तिकडे पण वस्ती करून आणि ती सक्सेसफुल करायची ही पण एक म्हणजे एक ह्युमॅनिटीसाठी एक शिक्षा आहे, शिक्षण आहे का म्हणतात, शिक्षण आहे, शिक्षण आहे की कसं लोक कशा कशा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या परिसरात वेगवेगळ्या क्लायमेट्समध्ये वापर करतात त्याचीही एक आपल्याला झलक मिळते ह्याच्यात. तुम्ही स्वतः लडाखला व्हिजिट केला? मी लडाखला नाही गेले पण मी हिमाचल प्रदेशमध्ये तिकडच्या माउंटन्समध्ये गेले. तसंच म्हणजे फारच सुंदर माउंटन्समध्ये लेह लडाखला राम गेलेला आहे तो आय थिंक जास्ती सांगू शकेल. ओके मैम, आपसे जानना चाहेंगे वो पिक्चर स्पीक्स अ लॉट देन अ वर्ड ऐसा बोला जाता है, तो आपको क्या लगता है ये पिक्चर्स कितना कितने अट्रैक्टिव है, कितना बोल रहे हैं इनके जो पिक्चर्स हैं? बहुत ही मूविंग पिक्चर्स हैं, अट्रैक्टिव हैं. जैसे कोई कोई पोर्ट्रेट्स हैं, तो एक यंग बॉय है जो खुद एक मंक है और मंक भी है लेकिन एक बचपना भी है, जैसे जिन्होंने एक्सप्लेन किया सुपरमैन की कैप पहने हैं, और एक बहुत ही ओल्ड खूबसूरत लेडी है जो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कैप्चर किया है. बहुत क्या शब्द कम पड़ रहे हैं. अगर बिसाइड्स दिस मैम आल्सो आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे टोटल धमाल के लिए. देयर इज नो टोटल धमाल क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी. सो इट्स मोर ओके. थैंक यू. थैंक यू. आप थोड़ा पीछे आएंगे ना, सिर्फ पीछे थोड़ा पीछा दो. सिक्योरिटी यार लुक सर इंटर लुक. थैंक यू. सर जी आ जाइए प्लीज, साइड हो जाए.